आपको जो ITI में ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना है, आपके मैसेज में या मेल पे मैसेज आया होगा, उस पे आपको क्या करना है, उस मैसेज पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने से आपको कुछ इस तरीके का डायलॉग्स बॉक्स खुला मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे ऐसे और यहाँ पे लॉगिन के लिए क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन के लिए क्लिक करेंगे, ठीक है, तो दो इस तरीके से डायलॉग्स बॉक्स खुलेंगे, ठीक है। तो पहले वाले बॉक्स में आपको क्लिक करना है और इसमें आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जिसमें आपका मैसेज आया हुआ है, ठीक है। या तो वो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करोगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे उसी नंबर पे OTP जाएगा और OTP आपको डालना रहेगा। 250 जैसे ही आप OTP डालोगे, यहाँ पे एक आपको पासवर्ड सेट करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप अपने रिकॉर्डिंग पासवर्ड सेट कर सकते हो। जब आप पासवर्ड सेट कर लोगे तो यहाँ पे इस तरीके का डायलॉग्स बॉक्स आएगा और यहाँ पे आपको बाय OTP पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना रहेगा। यहाँ पे साइन टिक करेंगे और कंटिन्यू, फिर आधार नंबर पे OTP जाएगा। 447, जैसे ही OTP डालोगे वैसे ही वेरीफाई होने के लिए सर्किल रोटेट करने लगेगा। और फिर कुछ इस तरीके का डायलॉग्स बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे योर आधार eKYC इज़ कम्प्लीट देखने को मिलेगा। यहाँ इस फ़ोटो पे आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करोगे और माई डैशबोर्ड जाओगे। माई डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे अगर आपका PNR नंबर जनरेट हो जाएगा तो देखने को मिलेगा, और नहीं तो अपनी प्रोफाइल पे ऐसे एडिट करके जो भी अपनी डिटेल्स है सारी डिटेल्स को चेक कर लोगे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। लैंग्वेज में जाना है और यहाँ पे आपको इंग्लिश इंग्लिश में और हिंदी हिंदी में टिक करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर अपने माय डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपकी प्रोफाइल कुछ इंक्रीज हुई दिखेगी परसेंटेज में। फिर एप्लीकेशन पे जाओगे और यहाँ पे आपका PNR नंबर कुछ देर के बाद जनरेट हो जाएगा। व्यू डिटेल्स पे जाके अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, अगर कोई डिटेल्स गलत है तो उसको करेक्शन कर सकते हो।